टोलन करके हम नई फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट, और उसके बाद यहाँ से हम साइज़ देंगे। साइज़ हम कैसे देंगे इसका, पॉइंट्स में हम पिक्सल में कर लेते हैं। ये पिक्सल है हमारे पास, और पिक्सल में हमारे पास यहाँ पर 1280 और 720, और इसको हम क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास अब चौड़ाई बेहतर हो जाएगी। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं आप ऐसे, इस विंडो को उठा के आप इधर इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ऐसे। इसको स्क्रीन के ऊपर फिट करना हो कि ये इधर चला गया थोड़ा सा, तो कंट्रोल ज़ीरो हमारे पास शॉर्ट की होती है, ये पूरी स्क्रीन पे फिट कर दिया इसने। इसको मज़ीद आप यहाँ से, ठीक है काफ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, ये सर्कल है हमारे पास इस, इसको हमने बिल्कुल गोल करना हो तो हम इसको ऐसे बिल्कुल शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल गोल हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर इधर ले आएंगे, इसको हम कोई भी कलर लगाते हैं, ये कलर लगा दिया हमने इस, ये कलर आ गया हमारे पास। तो कलर लगाने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टार लगाना चाहते हैं काफ़ी सारे। स्टार लगाने के लिए हमारे पास यहाँ से हम स्टार ले लेते हैं, स्टार लगा लें कुछ भी लगा लें, ये मैंने स्टार लिए हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर ना रूलर चाहिए। रूलर क्या चीज़ होते हैं, रूलर फुटे को कहते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है, तो ये रूलर आ जाएंगे हमारे पास, ये रूलर। तो यहाँ से रूलर पे हमने क्लिक किया माउस से, हम यहाँ पर एक लाइन ले आएंगे, और यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम एक लाइन ले आएंगे। इससे हमें थोड़ा सा इसका सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार लेंगे, ये स्टार है हमारे पास, और स्टार के ऊपर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे शिफ्ट के साथ, ये बराबर आपको सर्कल देगा ऑब्जेक्ट। और इसको यहाँ से हम इधर बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, दिस आर्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर छोटा हो जाए इसे। और इसको यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, इसको वाइट कलर कर दें, ये वाइट कलर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ तक हमारा तो काम बहुत आसान था, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने सर्कल लिया, सर्कल को हमने कलर लगाया, फिर हमने यहाँ पर रूलर लिया। रूलर लेने के बाद हमने यहाँ रूलर ऐसे माउस से ड्रैग करके लेकर आए, ये रूलर डिलीट भी हो जाते हैं, ठीक है तो अभी खड़ा रहे कोई बात नहीं। इसको हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर एक ले आए, और एक यहाँ से हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आए। अब हमने स्टार को इसके गिर्द यहाँ पर काफ़ी सारी कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। तो हम इसकी कॉपीज़ कैसे बनाएंगे, हम रोटेट टूल की शॉर्ट की आर है हमारे पास, रोटेट टूल की शॉर्ट की आर है हमारे पास। हम ये आर से ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट रखेंगे, हमने सेलेक्ट रखा हुआ है इसमें, और हम आर्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ये वाला कंसीडर करेंगे, और यहाँ क्लिक कर देंगे, आर्ट भी दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो साथ ही हमारे पास यहाँ पर विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसकी कॉपीज़ बनानी है, कितने फासले पर, कितने एंगल के साथ। ये जैसे अब हम एक बात करें तो हमारे पास जो एक एंगल होता है, सर्कल होता है, उसके ऊपर कैलकुलेटर में हम आते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री का एक एंगल होता है। हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है, इसको हमने ऑन कर लिया। तो 360 हमारे पास टोटल जो है ना सर्कल के अंदर एंगल होते हैं, तो हम चाहते हैं 360 के अंदर हम जो है ना 12 स्टार बनाना चाहते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। जब मैंने 12 से डिवाइड किया है तो 30 का गैप आएगा, 30 के गैप से आपके पास एक वो आएगा, एक स्टार आएगा। तो यहाँ पर हम 30 के एंगल का गैप दे देंगे 30, और कॉपी करेंगे। देखिए पहले वाली कॉपी भी है और एक और कॉपी भी आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉपी हम कंट्रोल डी से करेंगे, बस हमने एक ही कॉपी बनानी थी, अगली कॉपी हमारे पास बिल्कुल तरतीब से आएंगी, ठीक है। तो ये सारा काम हम दोबारा रिपीट करेंगे कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे आने के लिए।
सर्कल हम यहाँ से सर्कल खड़ा रहे, सर्कल को हम दोबारा कलर लगा देते हैं और कलर हम कोई भी लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। और सर्कल के फौरन बाद सर्कल सेलेक्ट रहेगा और हम एक रोटेट टूल ले लेंगे आर, रोटेट टूल हमने ले लिया आर, और आर्ट दबाकर इस सेंटर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे कि इस स्टार का सेंटर पॉइंट दिस इधर आ जाए, ठीक है। और हम ये 360 के एंगल में जितनी कॉपियां बनाना चाहते हैं, 12 कॉपियां बनाना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेटर में उसी से तकसीम कर देंगे, कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप ज़्यादा कॉपियां बनाना चाहते हैं 360 डिवाइडेड बाय 20, अगर आप 20 कॉपियां बनाना चाहते हैं तो फिर 0.05 का एंगल होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से 0.05 कॉपी, तो ये हमारे पास उसी के लिहाज से कॉपी बनकर आ जाएगी। और कंट्रोल डी, ओके, 0.05 बहुत छोटा हो गया, 20 कॉपियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसको जो है ना हम आल्ट के साथ दिस, और यहाँ पर हम करते हैं 6 के हिसाब से कर लें, 12 आ जाएंगे, ये लें, तो ये खूबसूरत हमारे पास स्टार जो है ना वो जनरेट हो गए। ठीक हो गया, तो ये हमारा रोटेट टूल की आज प्रैक्टिस थी कि हमने रोटेट टूल कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको असाइनमेंट में लेकर आना है, और इससे हम काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकते हैं और ख़ूबसूरत हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं जो हम सिमेट्री के साथ दिखाना चाहें, तो ऐसे जो है ना हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप परफॉर्म करेंगे, ये आज का लेक्चर है, इसको आप परफॉर्म